हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के सेमेस्टर थर्ड एंड फोर्थ की जो इंग्लिश है आपकी कोर इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर सेकंड, जिसके अंदर हम यूनिट 1 to 5 के सारे लेसन यहां पर कवर करने वाले हैं। और आपको मैं एक और चीज बता दूं कि जो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की मैं वीडियो जो है ऑलरेडी यूनिट 1 की सारी खत्म कर चुका हूँ। और बाकी हम इसके अंदर आज बात करेंगे फर्स्ट यूनिट के बारे में, ठीक है, यूनिट 1 के बारे में। तो यूनिट 1, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग लाइफ नैरेटिव सेकंड, तो यहां पर हम नैरेटिव के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने कितने यहां पर जो यूनिट 1 के अंदर जितने भी हमारे पांच जो पॉइंट दे रखे हैं, पांच जो चीजें दे रखी हैं, उनको हम यहां पर क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लाइफ नैरेटिव्स। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले यही दिया गया है कि व्हाट इज लाइफ नैरेटिव। तो देखिए, अ लाइफ नैरेटिव इज अ जनरल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टोरीज पीपल टेल अबाउट देयर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स। यानी कि एक बताया गया लाइफ नैरेटिव का मतलब क्या होता है कि जब इसमें जनरली कोई टर्म होती है जिससे कि किसी चीज को डिस्क्राइब किया जाता है, चाहे वो उनकी स्टोरी हो, चाहे उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ बायोग्राफी, चाहे वो उनकी बायोग्राफी हो, जैसे कि हम बोलते हैं ना, और ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा जिसे हम बोलते हैं, तो अ क्रॉनिकल और इवन एन आर्टिकल अबाउट अ स्पेसिफिक इवेंट। और किसी भी एक स्पेसिफिक इवेंट के बारे में आप जो है आर्टिकल या फिर किसी भी बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी की अगर आप बात करते हो तो वही आपका लाइफ नैरेटिव होता है। इट कुड ऑल्सो बी अ डिजिटल फॉर्मेट लाइक अ ब्लॉग। किसी एक ब्लॉग के अंदर जैसे आपने कहा कि हेलो फ्रेंड्स, आई एम सौरभ जोशी, और वो जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की सारी चीजें बताते हैं, तो ये भी आपका जो है लाइफ नैरेटिव होता है। पीपल राइट लाइफ नैरेटिव फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन, यानी कि उसके अलग अलग तरीके हैं टू शेयर देयर एक्सपीरियंस और लेसन लर्नड ओवर अ लाइफ टाइम, कि जो भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर सीखा है लाइफ के अंदर वो एक्सपीरियंस वो अपने शेयर करते हैं। टू एक्सप्रेस देयर पेन और लोनलीनेस, यानी कि वो अपना दर्द और अपना अकेलापन जो है वो सबके साथ में शेयर करते हैं। इन एन एफर्ट टू हेल्प अदर्स गोइंग थ्रू सिमिलर स्ट्रगल्स, यानी कि जो भी लोग उसी सिमिलर स्ट्रगल से आप जो जूझ रहे हैं तो वो लोग अपनी स्टोरीज बताने के बाद में वो सब चीजें उनको मतलब हेल्प करते हैं उसमें। रिकॉर्ड देयर मेमोरीज ऑफ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स और डॉक्यूमेंट देयर जर्नी टूवर्ड फेम एंड सक्सेस, यानी कि जो भी उन्होंने नाम कमाया, सक्सेस कमाई है, वो सब चीजें। द रेंज ऑफ रीजन इज द डाइवर्स एंड सो इज द मैनर इन विच नैरेटिव आर कंस्ट्रक्टेड। तो इसी तरीके से जो है एक नैरेटिव जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, यानी कि बनकर तैयार होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ यही बात करने वाले हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको लाइफ नैरेटिव्स होते क्या हैं, तो वो सब चीजें मैंने आपको यहाँ बता दी कि जो लोग होते हैं वो अपनी सफलता के बारे में, असफलता के बारे में, या अपना अकेलापन या अपना दुख जब भी बयां करते हैं और लोगों तक उस चीज को पहुंचाते हैं, ये फॉर्म हो सकता है, यानी कि इट कुड बी ऑल्सो इन डिजिटल फॉर्मेट लाइक ब्लॉग। ब्लॉग राइटिंग जो होते थे कि ब्लॉग आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो लाइफ नैरेटिव करते हैं, अपने जीवन की चीजों को बताते हैं, शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चीजें सीखी है। तो चलिए हम वीडियो को अब ज्यादा देरी तक लंबा ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं और आगे का हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, हाउ एवर अ पर्सन लाइफ नैरेटिव इज नॉट लाइक अ विकिपीडिया पेज। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी किसी भी व्यक्ति के बारे में आप विकिपीडिया पर देख लेंगे। आपने वो गाना सुना होगा, वो जो चेन्नई एक्सप्रेस का था, लुंगी डांस, उसमें शाहरुख खान कहता है ना कि मेरे बारे में जाके विकिपीडिया पे पढ़ लो। तो भैया देखो, शाहरुख खान जो है वो क्या है, वो तो बॉस है, वो जो है किंग खान है, तो यानी कि उनकी तो लाइफ बहुत ज्यादा अमेजिंग रही है, तो इसलिए उनको विकिपीडिया पर देखा जाता है। तो भैया हम जैसे लोग तो चूरन है, तो हमारी जो लाइफ है वो विकिपीडिया पर नहीं है, बट हम लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे ब्लॉग बनाकर और छोटे मोटे आर्टिकल्स के द्वारा अपनी जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं विद द डिटेल ऑफ बर्थ, एजुकेशन, मैरिज एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इवेंट इन द लॉजिकल ऑर्डर। तो हम लोग क्या बताते हैं कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, मेरी एजुकेशन कैसी रही है, मेरी मैरिज, और हम सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है शेयर करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे हिंदी स्टोरीज के अंदर लिखा होता है, इनका जन्म जो है गरीब गाँव गरीब घर में हुआ, अभाव में बीता, माता पिता की मृत्यु बचपन में हो गई, इस तरीके की जो स्टोरीज जो है शेयर करने को आपने देखा होगा बहुत बार मिलती है। आगे हम बात करते हैं, इनर फीलिंग्स, मेमोरीज ऑफ द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन अबाउट द वर्ल्ड एंड ह्यूमन एक्सिस्टेंस वंस ऑन और दोज ऑफ द पीपल वन इज राइटिंग अबाउट। यानी कि जो लोग क्या करते हैं कि लाइफ के एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में वो संसार को बताते हैं, तो ये आपका लाइफ नैरेटिव होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इन दिस सेक्शन ऑफ द स्टडी मटेरियल द फॉलोइंग रीडिंग फॉर्म योर कोर्स विल बी डिस्कस्ड। तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, यानी कि यहाँ पर एज माई लकी नंबर इज 4 एंड द टॉपिक्स आर ऑल्सो 4। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका कमला दास, द पार्क स्ट्रीट होम, माई स्टोरी। तो यहाँ पर हम कमला दास के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो हमारी इसके ऊपर होगी, और उसके बाद वन बाय वन हम इसको पूरा कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कमला दास वाली स्टोरी को।
तो चलिए स्टूडेंट्स, देरी ना करते हुए कमला दास माई स्टोरी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अबाउट ऑथर यानी कि जो भी राइटर है उसको हम ऑथर बोलते हैं, जिन्होंने एक कहानी लिखी है। तो ये क्या बोलती है यहाँ पर हम देख लेते हैं। कमला दास वाज अ फेमस इंडियन पोएट, यानी कि ये क्या है, एक फेमस लेखक है, यानी कि कवि है, कवियत्री है, नॉवेलिस्ट हु रोट इन अ बोथ इंग्लिश एंड मलयालम, यानी कि वो मलयालम और इंग्लिश के अंदर बहुत सारी स्टोरीज लिखती है जो कि इसकी मदर टंग है। तो आपको पता होगा क्लास 12 के अंदर आपने एक पोएम पढ़ी होगी माई मदर एट 56, जो कि रिटन बाय कमला दास ही थी। तो आगे चलते हैं। सी यूज्ड टू द पेन नेम माधवीकुट्टी, शी वॉज बॉर्न इन द थ्रीसुर केरला इन टू अ फेयरली प्रिविलेज्ड फैमिली। प्रिविलेज का मतलब एक अच्छी परिवार के अंदर थी। हर मदर नालापर बालामनी अम्मा वॉज अ वेल नोन मलयाली, यानी कि मेरे टोन में भी आपको मलयालम थोड़ा सा लग रहा होगा। तो पोएट हु हैड पब्लिश्ड अराउंड 20 कलेक्शन ऑफ द पोएम्स, जिनकी जो मम्मी जी थी इन्होंने क्या है 20 से ज्यादा जो है पोएम इसके बारे में है। एंड हर फादर वी एम नायर वॉज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव इन एन ऑटोमोबाइल कंपनी एंड एडिटर ऑफ द जनरल मथुरा भूमि। तो यहाँ पर बताया उनके पिताजी जो थे वो क्या थे, एग्जीक्यूटिव थे वो ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर, जिन्होंने जो है एडिटर ऑफ जनरल मथुरा भूमि। तो अब हम आगे बात करते हैं कि जो कमला दास के बारे में और चीजें यहाँ पर दी गई है वो कौन कौन सी। यस, तो कमला दास हैज रिटन 3 कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन इंग्लिश, समर इन कलकत्ता, द डिसेंडेंट्स और द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। तो यहाँ पर ऐसी उन्होंने बहुत सारी पोएम्स भी लिखी हैं। इन एडिशन शी हैज रिटन कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है शॉर्ट में भी लिखी हैं, और साथ ही साथ उन्होंने 2 नॉवेल भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, एंड द न्यूमरस एसे एज अ सिंडिकेटेड कॉलमिनिस्ट। और उन्होंने क्या बताया कि बहुत बार जो है उन्होंने ऐसे भी उस चीज पर लिखे हैं सिंडिकेट कॉलमिनिस्ट पर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सी हैज पब्लिश 25 बुक्स एंड कलेक्शन ऑफ पोएट्री। उन्होंने क्या करा है, कम से कम यहाँ पर बताया गया है कि ओवरऑल 25 से ज्यादा उन्होंने किताबें को कलेक्शन और पोएट्री उन्होंने लिखी है। हाउएवर इट इज हर ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी। अब बताया गया जो माई स्टोरी है वो क्या इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है जो इन्होंने खुद बताई है, ठीक है। That remains her most well-known work. Kamala Das was honored with the Kendriya Sahitya Academy Award English in 1984. अब देखिए बोलते हैं ना कि महिलाएं जो हैं वो अगर रुकें तो रुक जाती हैं और अगर चलें तो वो पूरे संसार को चला देती हैं। तो इसी तरीके से कमला दास ने भी अपने आप को प्रूव किया है कि शी इज द वन ऑफ द ग्रेट पोएटिस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर बताया गया कि उन्होंने जो है 1984 के अंदर जो है क्या जीता था, उन्होंने केंद्रीय साहित्य अकेडमी का अवार्ड जीता था, और साथ ही साथ नॉमिनेट भी हुई थी वो नोबेल प्राइज के लिए लिटरेचर द सेम ईयर, उसी साल के अंदर। और हुआ क्या, ऑन 1 फरवरी 2018 गूगल ऑनर्ड हर विद अ डूडल। अब यहाँ पर बताया गया गूगल ने भी उनको जो है ऑनर दिया यानी कि सम्मान। आगे हम देखते हैं, माई स्टोरी वॉज ओरिजिनली पब्लिश इन द सीरियलाइज फॉर्म इन अ मलयालम वीकली Malayandu and as a book Antikatha in 1973। और कमला दास ने ऑटोबायोग्राफी जो लिखी है, ऑटोबायोग्राफी caused the sensation when it first started appearing। Her honest and undeterred depiction of her loneliness in her marriage। अब उसकी जो शादी के बाद की अगर हम बात करें तो हर adulterous affair and her literary career appealed to readers। So many were shocked, जब लोगों ने उसके बारे में पढ़ा तो बहुत ज्यादा लोग जो है बिल्कुल शॉक्ड हो गए। देर आर मैनी अकाउंट्स अबाउट हाउ हर ओन फादर ट्राई टू स्टॉप द पब्लिकेशन ऑफ अंत कथा। तो यहाँ पर जो अंत कथा जो था उन्होंने इसके बारे में, इसमें जो है अपने बारे में सब कुछ लिखा है, ठीक है, जो भी उनके लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो ये सब उनके बारे में था। उन्होंने आगे बताया है कि इसके अंदर कि इन माई स्टोरी, जो कमला दास है वो क्या बताती है, इन माई स्टोरी कमला दास ट्रेसेस हर लाइफ फ्रॉम हर चाइल्डहुड इन कलकत्ता एंड मालाबार टू हर मैरिज टू अ मच ओल्डर बैंकर माधव दास। अब उनके जो जो हस्बैंड थे जिनसे शादी हुई थी माधव दास से, व्हेन शी वाज जस्ट 15 ईयर ओल्ड, यानी कि 15 साल की थी जब उनकी शादी कर दी गई थी, एंड मदरहुड एट 16, हर लोनलीनेस व्हाइल हर हस्बैंड रिमेन बिजी विद हिज वर्क। और जब उन्होंने बताया कि भाई उनका अकेलापन, उनका हस्बैंड जो था वो सिर्फ काम में बिजी रहते थे, एंड हर dissatisfaction with her marriage, वो अपनी शादी से बिल्कुल ना खुश थी, so her husband encouraged her to write. तो उसके husband ने बोला तू ऐसा काम कर, एक बार तू ना लिखना start कर दे। In her autobiography, she questioned the traditional role thrust upon women in a patriarchal society. Patriarchal मतलब जो पैतृक सत्ता होती है, यानी कि पितृसत्ता। तो writing openly about the relationship with
अदर मैन, तो उसने अपने जो रिलेशनशिप थे दूसरों के बारे में सब कुछ लेकर उन्होंने पूरा खुलकर लिखा। कमला दास इन्फ्लुएंस्ड एन एंटायर जनरेशन ऑफ द वुमेन राइटर्स इन द केरला, बट हर ऑनेस्टी इन द डिस्पिक्टिंग द फिजिकल डिजायर रिमेन्स अनमैच्ड। परंतु बताया गया कि उन्होंने सब कुछ तो लिखा और उसको केरला के अंदर बहुत पसंद भी किया हुआ, बट जो फिजिकल डिजायर थी वो बिल्कुल ही उनसे अनमैच्ड थी। इट इज नो वंडर दैट माई स्टोरी रिमेन्स द बेस्ट सेलिंग ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमन। तो एक इंडियन वुमन के द्वारा जो है इनकी वो लिखी गई, बताया गया कि सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग वाली, सबसे ज्यादा बिकी थी इनकी ये बुक। ठीक है, तो इस स्टोरी के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा, कमला दास के बारे में पढ़ा। तो नैरेटिव जो लाइव नैरेटिव है जिसमें हमने सबसे पहले कमला दास के बारे में पढ़ा, बाकी की जो स्टोरीज है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, वीडियो को जो अभी खत्म ना करते हुए हम लोग इसका पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट इसी में क्लियर कर देते हैं। द हाउस ऑन पार्क स्ट्रीट, जो कि कमला दास की जो स्टोरी थी उसी के अंदर हम बात करेंगे। द हाउस द पार्क स्ट्रीट होम इज द सेकंड चैप्टर ऑफ कमला दास। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी का दूसरा अध्याय है। पार्क स्ट्रीट वॉज अ फेमस पोस्ट लोकैलिटी इन द कलकत्ता इन अ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। यहाँ पे बताया गया है कि जो पार्क स्ट्रीट होम जो है वो इनका सेकेंड अध्याय है कमला दास की ऑटोबायोग्राफी का, जो कि फेमस है। और हर फादर वाज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव एट द वोल्फोर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी, यानी कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो उनके पिताजी जो थे वो एग्जीक्यूटिव थे और सेलिंग लग्जरी कार्स टू प्रिंसेस एंड देयर रिलेटिव्स। द फैमिली लिव्ड अबव द रिपेयर यार्ड ऑफ द ट्रांसपोर्ट कंपनी। इन द चैप्टर शी डिस्क्राइब्स हर अर्ली लाइफ इन कलकत्ता। उसने क्या करा, सबसे पहले हमने चैप्टर में ये पढ़ा कि उनका जीवन जो था वो सब हमने यहाँ पर जाना कमला दास का। वेयर शी एंड हर ब्रदर वेंट टू अ ब्रिटिश स्कूल नेगलेक्टेड बाय देयर पेरेंट्स। द सिस्टर एंड ब्रदर फाइंड वे टू कीप देमसेल्फ ऑक्यूपाइड। अब दोनों ने क्या देखा कि भाई उनको जो है ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल के अंदर डाल दिया गया, दोनों भाई बहन उसके अंदर इंगेज थे यानी कि जुड़े हुए थे स्कूल के अंदर। द चैप्टर बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर पेरेंट्स वेडिंग। लाइक मैनी एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल, हर फादर वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई गांधी जी। गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी यानी कि सिंप्लिसिटी थी, उससे बहुत ज्यादा वो प्रभावित थे। और कमला दास की जो मदर थी वो बिलोंग टू एन अपर क्लास फैमिली ऑफ लैंडलॉर्ड विदाउट मच मनी, यानी कि वो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी। एंड वेन शी गॉट मैरिड हर हस्बैंड डिड नॉट परमिट हर टू वियर एनी गोल्ड ज्वेलरी और एक्सपेंसिव क्लोथ। जब उसकी शादी हुई तो उसके पिताजी ने क्या करा, वो उसको पहनने की अनुमति भी नहीं दी ज्वेलरी और एक्सपेंसिव क्लोथ। शी वॉज आस्क्ड टू वियर ओनली खादी एंड दैट टू ओनली व्हाइट और ऑफ व्हाइट। और सिर्फ क्या बोला गया कि आप सिर्फ खादी पहनोगे जो कि सिर्फ गांधी जी से रिलेटेड, यानी कि सादा सिंपल जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे। रीड दिस पैसेज केयरफुली एंड नोट द ऑनेस्टी विद व्हिच शी कमेंटेड ऑन देयर रिलेशनशिप। तो यहाँ पर हम अब पैसेज रीड करने वाले हैं जिसके अंदर हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, कमला दास के मम्मी पिताजी का जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो और उनके बारे में जानेंगे। माई मदर डिड नॉट फॉल इन लव विद माई फादर, दे वर डिसिमिलर एंड हॉरिबली मिसमैच्ड। मेरी मम्मी जी जो है वो उनके पिताजी के प्यार में नहीं पड़ी थी, बल्कि वो बिल्कुल ही उनसे डिसिमिलर थे, बिल्कुल अलग थे और बिल्कुल डिसमैच थे बिल्कुल। द ऑथर इवन एज अ यंग चाइल्ड सेंस दैट हर पेरेंट्स मैरिज वॉज एन इल्यूजन। जो उनके पिताजी जो और उनकी जो मम्मी जी की जो शादी है वो बताते हैं कि वो एक इल्यूजन था, एक भ्रम था खाली। और एंड दैट टू बिकॉज हर मदर रिमेन टेम्ड, यानी कि जो उनकी जो उसकी मम्मी थी वो रिमेन क्या थी, टेम्ड, यानी कि वो थोड़ी सी डरपोक और कमजोर थी। तो इट रिक्वायर्ड इमेंस सेंस, इमेंस का मतलब था व्यापक तौर पर, उनको व्यापक तौर पर करेज यानी कि साहस की जरूरत थी टू राइट सो ओपनली अबाउट द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द पीपल क्लोजेस्ट टू यू, स्पेशली योर पेरेंट्स। इन अनदर पार्ट ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी कमला दास राइट्स अबाउट हर ऑन मैरिज। एज अ मैरिज इन द कन्वेंशनल सेंस माइंड वॉज अ फ्लॉप। उन्होंने क्या बताया कि अपने बारे में बताया कि भाई इनकी जो मैरिज थी वो भी बिल्कुल बिल्कुल फ्लॉप थी। इन द फर्स्ट चैप्टर कमला दास टॉक अबाउट हर मदर हु वॉज वेग्यू एंड इनडिफरेंट। बिल्कुल ही वो जो है वेग्यू एंड इनडिफरेंट थी, यानी कि बिल्कुल अस्पष्ट जिनको समझाना जा सके। टूवर्ड्स हर चिल्ड्रन स्पेंडिंग हर टाइम लेइंग ऑन हर बेड राइटिंग पोएम्स व्हाइल हर फादर वॉज बिजी सेलिंग रोल्स रॉयज एंड द बेंटल्स, यानी कि महंगी महंगी गाड़ियां हैं जो उनके पिताजी बेचा करते थे। इवन अ यंग चाइल्ड द ऑथर कुड सेंस द लैक ऑफ एप्रिसिएशन। लैक का मतलब होता है कमी, एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का प्रशंसा करना। इन हर पेरेंट्स आईज विदाउट एनी आयरनी शी राइट्स। अब उन्होंने जो है बिना किसी विडंबना के उन्होंने कुछ लिखा है, वो बोलती हैं वी मस्ट हैव डिसअपॉइंटेड आवर पेरेंट्स अ ग्रेट डील, दे डिड नॉट टेल अस बट इन एवरी जेस्चर एंड इन एवरी वर्ड इट वॉज एविडेंस। सब कुछ दिखाई देता है, पता चलता है। शी समहाउ थिंक्स दैट द पेरेंट्स आर इनडिफरेंट टुवर्ड देम बिकॉज बोथ शी एंड हर ब्रदर वर ऑर्डिनरी लुकिंग एंड हार्ड डार्क स्किन।
यहाँ पर बताया गया कि वो लोग थोड़े से बिल्कुल अलग थे. चिल्ड्रन इन अनहैप्पी मैरिज ऑफन ब्लेम देमसेल्फ फॉर द प्रॉब्लम बिटवीन देयर पेरेंट्स. इट मस्ट हैव बीन पेनफुल फॉर हर टू लुक एट हर सेल्फ दिस वे. तो वो अपने आप को इस तरीके से देखकर बहुत ज्यादा उसे दुख होता था. देयर इज नो डाउट हर चाइल्डहुड वॉज लोनली. ये भी नहीं कह सकते कि भाई कोई डाउट नहीं है कि उसका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ज्यादा लॉन्ली यानी कि अकेला था, क्योंकि मम्मी अलग बिजी रहती थी और पापा अलग. शी डिस्क्राइब देयर ड्राइंग रूम एज वन वेयर विजिटर रेयरली कम. वाओ, उन्होंने बताया कि भाई हमारे ड्राइंग रूम में विजिटर्स भी बहुत कम मात्रा में आया करते थे कभी कभार. एट द सेम टाइम दिस लोनलीनेस नर्टेड हर एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट एंड ऑब्जर्व. इन एन इंटरव्यू कमला दास वंस सेड, इफ आई हैड बीन अ लव्ड पर्सन आई वुडंट हैव बिकम अ राइटर. कि अगर मेरे को ज्यादा प्यार किया जाता तो शायद आज मैं राइटर नहीं बनती. इसका मतलब कभी कभार चीजें होती है तो वो अच्छे के लिए ही होती है. द सिक्स ईयर ओल्ड कमला दास अ स्पेशल बॉन्ड विद हर एल्डर ब्रदर एंड टू चिल्ड्रन स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग अराउंड द हाउस विच वॉज अबव द रिपेयर यार्ड ऑफ द मोटर कंपनी फॉर विच देयर फादर वर्क. पे अटेंशन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर हाउस. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से वो जो समय है पूरा का पूरा दोनों भाई बहन व्यतीत करते थे वहां पर और यार्ड में जहाँ पर उसके पिताजी मोटर कार कंपनी में काम करते थे. वी लिव्ड ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द रिपेयर यार्ड ऑफ द मोटर कार कंपनी. वन हैड टू क्लाइम 36 स्टेप टू रीच आर फ्लैट. तो खाली बैठे बैठे उन्होंने सब कुछ गिन लिया कि भाई 30 से ज्यादा स्टेप थे वहां पर चलने के लिए. मिडवे देयर वाज नाइ टू द राइट एन ओपनिंग विच लेट ऑन द सर्वेंट क्वार्टर वेयर नाइट एंड डे आर पेशेंटली नॉइजली सैडली. के बताया गया सिर्फ वहां पर जो है किसी प्रकार की कोई आवाज और बिल्कुल उदासी भरा पूर्वक जो है वहां पर वो रहा करता था. देयर वाज अ स्टेंच ऑफ यूरिन व्हिच मेड वन पॉज प्राइसली ऑन दैट स्टेप ऑफ द स्टेयरकेस वंडरिंग वेयर इट कम्स फ्रॉम. अब यहां पर बताते हैं. तो वहां पर बताया गया कि सर्वेंट के वहां से जो है देयर वाज अ स्टेंच ऑफ यूरिन व्हिच मेड वन पॉज प्रिसली ऑन दैट स्टेप ऑफ द स्टेयर केस वंडरिंग वेयर इट कम्स फ्रॉम. यानी कि वहां पर जो है मलमूत्र जो है वो भी पता नहीं स्टेज पे कहाँ से आता था, इस चीज के बारे में भी वंडर है. इन द स्पेस ऑफ अ फ्यू लाइन द ऑथर डिस्क्राइब साउंड्स एंड स्मेल्स एज इररिलेवेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स लाइक द नंबर ऑफ स्टेप्स एंड द यूजेस ऑफ मेटाफोर एज वेल सैडली ऑल दीज थिंग्स. और आगे बताया गया है टूगेदर क्रिएट अ सर्टेन मूड और एटमोसफेयर. Almost all good writers use this technique to create an authentic picture. अब कुछ लोग क्या करते हैं, राइटर क्या करते हैं, एक ऑथेंटिक यानी कि बिल्कुल एक ठीक ठाक सी जानकारी देने के लिए पिक्चर्स का यूज करते हैं. Discouraged by the parents, emotional distance, माता पिताजी के द्वारा जो है उनको क्या किया गया, डिस्करेज किया गया. कमला एंड हर ब्रदर ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम देम. और उसके जो भाई बहन थे दोनों ने, कमला और उसका जो भाई था वो उनसे अलग होने की हमेशा कोशिश करते रहते थे. They spend their time chatting with the gardener, यानी कि वो जो माली थे उनसे बातें करते हुए अपना समय निकालते थे. था scavenger और the cook, और जो भी वहाँ पे जो वहाँ के जो लोग थे और जो cook था और जो रसोईया था जो gardener था, इन लोगों से बातें करते थे. Otherwise the children look for excitement in the little things like standing at the window and the dangling rubber toys from a thread to a surprise passer by. यानी कि वो जितना भी वो क्या करते थे, विंडो के पास खड़े होकर अपना टाइम पास कर लिया करते थे. रबर उठाकर जैसे बोलते ना ग्लोल जो होती है, इस टाइप से वो सरप्राइज करते थे लोगों को. हाउएवर दे डू फाइंड अ फ्रेंड इन अ मिस्टर मैनन द स्टोर मैनेजर इन द ऑफिस डाउनस्टेयर में उन्होंने एक बंदे को देखा जो कि मैनेजर था स्टोर का, जिसका नाम था मिस्टर मैनन, हु इज लाइक अ फादर फिगर. ठीक है, ही इज द ओनली पर्सन हु लिसन्स टू देम एंड टॉक टू देम. वही एक बंदा था जो इन लोगों की बातें सुनता था, इनसे बातें करता था. द ऑथर रिमेंबर्स हिज वार्मथ एंड द अटेंशन. के ऑथर जो है वो उसके उसको बहुत पसंद करते थे. एंड आगे बताया गया इसके अंदर वी हैड ओनली वन गुड फ्रेंड, जस्ट गुड फ्रेंड हु लाइक टू टच आर हैंड एंड टॉक टू अस अबाउट लाइफ इन अ जनरल. यानी कि सिर्फ एक वही व्यक्ति था जो हमारे को अच्छा लगता था. कमला टेल्स मिस्टर मैनन अबाउट अ डॉल्स हाउस शी सॉ एट अ फ्रेंड्स प्लेस एंड ही मेक्स वन फॉर हर, टेकिंग आउट द टाइम ऑफ कैर्व आउट लिटिल पीसेस ऑफ फर्नीचर एंड पेंट इट. द चिल्ड्रन गो एंड लुक एट इट फ्रीक्वेंटली thrilled with the smell of the red paint on the doll's house. The cook in their house in as an ill-tempered, yani ki wo thoda sa short-tempered tha, fellow and shouts at the monkey who steal from food from their kitchen. Jo ki wo us pe chillaya karta tha ki jo wo monkey the wo kya karte the, food chura kar le jaya karte the. He seems to be keen go and settle in England, telling the scavenger that Mrs. Rose, who is the wife of her father's boss, यानी कि जो उनके वाइफ जो पापा जी थे उनके जो बॉस थे उनकी वाइफ का नाम है,
will take him if he asks her to remember the years is around 1941 with a strong British presence in the Calcutta. अब कमला जो है क्या करती है, कमला notice that the scavenger is the served tea in a cup kept specially for him, जो उसके लिए चाय करता है. It is an innocent child's observation but point to the practice of the untouchability in their household. अब उनके घर की जो चीजें हैं उसको untouchability के लिए भी यहाँ पर देखा गया है कि उनके कलर को देखकर वहां पर जो आइडेंटिफाई किया गया है. आगे हम देख समरी, अगर हम बात करें यहाँ पे समरिंग आपकी, यहाँ पर तो समरी देखते थे. शॉर्ट चैप्टर इज अबाउट कमला दास, उसके चाइल्डहुड के बारे में है जहाँ पर वो कलकत्ता में रहती थी. इवन एक छोटी लड़की है जो कि कुछ सेंस ऑफ पेरेंट्स इनकम्पेबिलिटी एंड द फेल्ट रिजेक्टेड, के उसके माता पिता ने उसको कभी सपोर्ट नहीं किया. डिप्राइड ऑफ द वार्मथ एंड द अफेक्शन फ्रॉम द पेरेंट्स, द ब्रदर एंड सिस्टर स्पेंड टाइम टुगेदर, डोमेस्टिक स्टाफ, हर ओनली हैप्पी मेमोरी फ्रॉम द टाइम इज दैट मिस्टर मेनन के साथ में जो भी टाइम बिताया वो. ही वॉज अ काइंड मैन हु मेड अ लार्ज डॉल्स हाउस फॉर अदर एंड इवन बिफोर शी आस्क्ड फॉर इट, उसने उससे पूछा उससे पहले ही उसने उसके लिए एक वो जो है डॉल हाउस बनाया. द टू थिंग्स टू अप्रिसिएट इन हर राइटिंग आर हर कंप्लीट ऑनेस्टी एंड पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन. शी डजंट शाय अवे फ्रॉम राइटिंग अबाउट द लोनलीनेस एंड ऑब्जर्व बिटवीन हर मदर एंड फादर. हर मेमोरी ऑफ द चाइल्डहुड आर विव्ड, indicating that even as a child she was a keen and sensitive observer. वो एक छोटे बच्चे के तौर पर भी बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया करती थी. तो आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी. अब नेक्स्ट स्टोरी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए. जब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग.